अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम इंतहाई अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। ये बहुत ही वायरल हो चुकी थी एक वीडियो, जिस सिलसिले में हम आज अली भट्ट साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनके पास आए हैं और स्पेशली वो कबूतर देखने आए हैं जिसके बारे में बहुत सी चमकगोइयां चल रही हैं। तो अली भट्ट साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तो अली भट्ट साहब, ये इस कबूतर के बारे में, ये जो कबूतर आपने लिया था, इस कबूतर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इतनी अमाउंट आपने इसकी, तकरीबन 5 लाख रुपए गालिबन इसके आपने लिए दिए कामरान भाई, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि 5 लाख का क्यों इसको लिया आपने? कामरान भाई, सबने सुना होगा शौक का मोल कोई नहीं, जब चीज कोई पसंद आ जाए ना तो बंदा पैसे नहीं देखता। मैंने देखा है अक्सर लोगों ने इस कबूतर की प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, तो ये कबूतर मेरी भी पसंद था, मेरा दिल किया कि मैं ये कबूतर लूँ और अपना शौक पूरा करूँ। पैसे नहीं मैंने देखे, मैंने कबूतर देखा है, शौक किया है अपना। बाकी मैंने इसकी वीडियो वायरल इसलिए की थी, अपलोड इसलिए की थी कि ताकि बंदे देखें, शौक करें और इसकी तारीफ़ करें। लेकिन लोगों ने जो बैड्स कमेंट्स दिए हैं, मैं उनको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि शौक का मोल कोई नहीं होता भाई जान। आप, मुझे मेरा शौक मिल गया है, मैं खुश हूँ। आप भी इसको देखें, आप भी खुश हो जाएं, शौक करें। किसी की जब कोई शौक करता है ना, आप भी शौक करें, मुझे भी मज़ा आया, आप भी मज़ा जी। अच्छा, तो अली भाई, सलारे कबूतर और भी बहुत ज़्यादा हैं जी, लेकिन यही कबूतर जो है आपको क्यों पसंद आया, और भी दुनिया के पास कबूतर हैं? कामरान भाई, ये कबूतर हमें पसंद आ गया, और जब चीज़ पसंद आ जाए तो फिर उसको बंदा हासिल करने की कोशिश करता है, ना कि दूसरे कबूतरों की तरफ भागने की कोशिश करता है। हमें ये पसंद आया, हमने ले लिया है। बाकी अहमद भाई का बोलने का अंदाज, उनके साथ बैठ के बात की है, वो भी हमें अच्छे लगे हैं, इसलिए हमने ये सोचा है कि ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी भाई शौकीन हैं ना, सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आए हुए थे, हमने और भी बड़े कबूतर परचेज़ किए हैं, जिस तरह मौकम भाई से भी मैंने जोड़ा एक लिया 2 लाख का, राणा इमरान से भी लिए हैं, और भी काफ़ी जगह सियालकोट से भी कबूतर परचेज़ किए हैं मैंने। तो इस बात को इतना इशू ना बनाएं, हमने सिर्फ शौक किया है, और भी काफ़ी सलारे कबूतर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं, लेकिन ये हमें पसंद आ गया था, इसलिए हमने ये कबूतर लिया है, अपना शौक किया है। आप भी शौक करें, आप भी शौक करें, गंदे कमेंट्स ना करें प्लीज़। मकसद हमारा, आपका मकसद सिर्फ शौक करना लोगों को, कि आप बताना चाह रहे थे कि देखें जी हमारे पास भी अच्छे कबूतर हैं। हाँ जी, हम इनको खलीज में लेके जाएंगे, वहाँ पे इनके साथ शौक करेंगे। ठीक हो गया, तो आप अभी आप खलीज में जो शौक कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खलीज में पाकिस्तानी कबूतरों की ज़्यादा डिमांड है या और तरह के कबूतर भी? सिर्फ पाकिस्तानी कबूतरों की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा पाकिस्तानी कबूतर उड़ाए जाते हैं जी। तो वहाँ का शौक भी इसी तरह का सेम है, पाकिस्तान की सेम है, पाकिस्तान की जी। तो आप भी वहाँ पे शौक कर रहे हैं? मैं भी शौक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी छत भी है? नहीं, इधर मेरी छत नहीं है, मेरी छत है नसीम खावर नसीम गार्डन के नाम से, मेरी छत खावर नसीम गार्डन के नाम से मेरी छत मशहूर है। हमने ये नेक्स्ट ईयर हो, दूसरा साल है ये मैंने हिस्सा लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ओमान में जो बेबी चैम्पियन है वो दूसरे नंबर पर हम आए हैं। पहले नंबर पर एक राजस्थानी है, उनकी छत आई है, और दूसरे नंबर पे मेरी छत आई है। इन कबूतरों के साथ भी हम वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके शौक करेंगे, मज़ा आएगा, इसलिए कबूतर परचेज़ कर लिया है। और अल्लाह का शुक्र है, हम खुश हैं, शौक किया है, मज़ा आया है, आप भी मज़े लें। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने शौक किया है तो कैसे लगे लोगों के मज़ीद कबूतर भी, इसके अलावा भी आपने आखिर उनके लोगों के कबूतर देखे? इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, सियालकोट तक हम गए हैं, लाहौर में तकरीबन कोई 25-30 छतें मैं घूम के आया हूँ। अच्छा। बड़ा मज़ा आया है, हर बंदे का शौक किया है, हर बंदे ने एक अलहदा ही ट्रेंड दिखाया है, यानी कि एक अलहदा ही चीज़ दिखाई है, उसने जो चीज़ दिखाई है उसका शौक किया है, मज़ा आया है। हामद भाई के घर आए थे, उन्होंने जो चीज़ दिखाई थी उनका ज़रा ज़्यादा मज़ा आ गया था, उनकी चीज़ पसंद आ गई, उनके बोलने का, उनके वेलकम करने का तरीका जो है वो हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने बोला यार यही परचेज़ करना है, ये हमारा शौक है, शौक पूरा करना है, इतना इशू नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया अली साहब आपका जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अल्लाह।